गुड मॉर्निंग गाइस, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल प्रिया की दुनिया में। कैसे हो आप सभी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो अच्छी हूं। और ये मॉर्निंग का समय है, सारा काम मेरा फिनिश हो चुका था और ये छोटी सी क्लिप मैंने बाद में ले ली। मुझे ध्यान आया तो बहन बैठी थी तो मैंने कहा एक क्लिप ले लूँ। और यहाँ पे सारे कपड़े धुल गए थे, बस यही एक कपड़े बाकी थे। जो मतलब जितने भी कपड़े होते हैं ना बाथरूम में रखे रहते हैं, तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरी सिस्टर नहाती है, तो वो सारा कपड़ा आप देख सकते हैं सारा धुल के डाला हुआ है। बस मैं क्या करती हूँ कि जब मैं नहाती हूँ तो जो एक रहता है मेरा नाइट सूट, बस उसको मैं तुरंत धुल के डाल देती हूँ कि अब क्या फ़ायदा जो है पड़ा रहेगा फिर बार बार वही चीज़ वही करे। तो जब ये वाली सिस्टर मेरी आती है ना तो मेरे पास कोई काम ही नहीं रह जाता है। घर के सारे काम फिनिश हो जाते हैं, सुबह सुबह ही जल्दी हो जाता है सारा काम। ये सुबह जल्दी उठती हैं, मैं उतना जल्दी नहीं उठती जितना जल्दी ये उठती है। तो ये अपना उठती हैं तो सारा काम करके, और जब तक मैं उठती हूँ जब तब तक सारा काम हो जाता है, सारा काम हो जाएगा। और इसके बाद जब इनका चाय हो जाता है फिर मुझे उठाती हैं, फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं बचता। आजकल मैं समझ नहीं पाती मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। तो ये देखो मैट वेट सब धुल धल के डाला हुआ है और ये नहीं धुला हुआ है, तो इसको मैं बाद में धुलूँगी क्योंकि आज कोई आने वाला था और इस वजह से अचानक से फ़ोन आया। दीदी ने फ़ोन किया कि और प्रिया हम आ रहे हैं, तो फटाफट से मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ और इसके बाद जो बाकी के काम है कल होंगे। कि जब कोई आता है तो उसके साथ बैठना, उसको टाइम देना होता है ना। इतने दूर से इंसान आया है तो कम से कम बैठेंगे, बात करेंगे, और जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जब वो आती हैं। क्योंकि यूट्यूब पे ना उनसे ज़्यादा अच्छा कोई निकला ही नहीं। दो चार फ्रेंड मेरे पास यूट्यूब की हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड हैं लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जिनसे हम कॉल पे बात करते थे, तो उसमें से दो तीन ऐसे निकले हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी निकल जाते हैं कि टाइम के अनुसार बदल भी जाते हैं, है ना, ऐसा होता है। तो ये ऐसी हैं कि जो मतलब कभी बदलने वाले में से नहीं हैं, बहुत अच्छी हैं, इसलिए जो है इतना दिन से हम लोगों का चल रहा है। मैं नहीं जा पाती क्योंकि मेरे कोई है नहीं कि हमको ले जाए, या गाड़ी की सुविधा नहीं है, और उनके पास सब कुछ है तो वो आ जाती हैं मेरे पास। और मतलब उनके हस्बैंड रहते हैं घर पर तो वो आ जाते क्योंकि उनका तबीयत नहीं ठीक रहता, तो वो नहीं कहीं जाते हैं बाहर, तो वो खुद ही आ जाती हैं। जरा भी एटीट्यूड नहीं है, पता है ना, कुछ लोग होते हैं कि जो है ये नहीं आ रही हैं तो हम क्यों आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ उनके अंदर नहीं है। और ये सूज मैंने मंगवाया था तो ये आया है, और आज ही ये भी फ़ोन आया, और मेरे लिए नहीं है ये सिस्टर के लिए है। तो मेरे यहाँ जिस दिन आई थी उसी दिन उसका मतलब सूज जो है टूट गया था, नया ही सूज था और टूट गया था। बंदर की वजह से गए थे हम लोग सब्जी लेने और टूटा क्या था इनका जो है, उन्होंने बंदर को फेंक के मार दिया था। आप वो बंदर को फेंक के मार दिया और इसके बाद चली आई, क्योंकि बंदर ये और नमन गए थे और इसके बाद बंदर दौड़ाने लगे, बस इनको कुछ नहीं दिखा, बस सूजवे निकाल के फेंक दी। तो इसलिए मैंने, ठंडी का मौसम था तो मैंने कहा चलो जो है मंगवाते हैं, तो ये मंगवाया था तो इनको पसंद आया। हमारी चॉइस सबको अच्छी लगती है। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं क्योंकि शाम का समय है, अभी उतार के आया है ऐसे मेज़ पे और बेड पे रखा है। अब हम लोग फोल्ड करेंगे क्योंकि अभी सब्जी उब्जी लेके आए हैं, तो इस वजह से, और नमन की वजह से स्लीपर हमारे घर में कई होते हैं जो कि इनको सामने जो मिल जाता है वही पहन लेते हैं। ये बहुत छोटा है, इसको आता नहीं है, लेकिन हम साइड में रखते हैं तो सामने जो मिलता है वो ये पहन लेता है। तो ये रहा इसका सूच, कैसा लग रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने कुछ किया है बहनों के लिए, क्योंकि पता है ये लोग मेरे लिए करती हैं, मैंने इन लोगों के लिए नहीं किया। तो आज जो कुछ भी हूँ, अगर मैं कुछ मतलब अर्निंग हो रही है मेरी तो इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है, तो इसलिए मैंने जो है किया। और ये है हमारी दीदी जो आई हैं, प्यारी सी क्यूट सी, सबसे ज़्यादा मेरे करीब यही हैं। मैं इनको अब क्या, मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि मैं जो है दिखा दूँ कि हाँ मैं कितना मानती हूँ, लेकिन मैं इनको सबसे ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मुझे मतलब लगता है ना कि मेरी एक बहन है यहाँ हमारे पास, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये इनका डॉग है जूली, मेरी बहन का भी जूली नाम है और इसका भी जूली नाम है, और ये इनकी क्यूट सी बिटिया है बिट्टू, बहुत ही अच्छी है। बेटी बेटा दोनों बहुत अच्छे हैं और दीदी के हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं।
क्योंकि पता है आज के टाइम में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये इतना सपोर्ट इनका करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ऐसे परिवार वाले सपोर्ट करें ना, तो इंसान बहुत आगे तक जा सकता है। तो इनके फैमिली में हर कोई सपोर्टिव ही है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आई थी, मैंने थोड़ा सा आप सभी को दिखाया। मैं बात करने में इतना बिजी थी, बाद में मुझे याद आया कि दीदी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लें, दोनों ने कहा रिकॉर्ड कर लो, तब जाके मैंने किया। जरा सा मतलब उनके अंदर एटीट्यूड नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए हम लोगों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। और क्या ही बोलूँ मैं, जितना ही तारीफ की जाए उतना ही कम है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैं तो खुश हो जाती हूँ। जैसे वो बताती प्रिया हम आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि पता है चलो ठीक है, आज अगर कोई हमसे मिलने आ रहा है तो मानते हैं, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे, ये मेरे से बहुत आगे थी, लेकिन मैं उस टाइम कुछ नहीं थी, लेकिन फिर भी ये मुझसे कॉल पे बात भी करती थी, मेरे से मिलने आई, और जितना इनसे हो पाता था उतना मेरा सपोर्ट भी करती थी। तो मतलब कहीं ना कहीं, जब मतलब मैं किसी मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास, तब ये मेरा सपोर्ट की है। तो इसलिए जो बुरे टाइम में साथ खड़ा होता है ना, उसको हम कभी नहीं भूल पाते। तो ये चीज़ है हमारे लिए, हम तो नहीं कभी भूल पाएंगे उनको, और वो भूल जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसी वो भी नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे हम लोग, ये शाम का नाश्ता हो रहा है कि गए थे सब्जी लेने ना, तो इसके बाद वे साथ में समोसे लेके आए थे, क्योंकि मेरा कुछ मन ही नहीं हो रहा था खाने का, तो ऐसे मन किया कि चलो समोसे लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं आटा गूंथ रही हूँ, वही मेरी बहन चिल्ला रही है कि दो लोग के खाने में पता नहीं क्या आटा गूंथ रही हो, हम गूंथ लेंगे। तो वही कि भाई अगर हम कोई काम नहीं करेंगे तो फिर वीडियो कैसे बनाएंगे, तो इसलिए वही हम कह रहे हैं कि जब कोई काम हम करेंगे नहीं तो वीडियो क्या बनाएंगे। पब्लिक हमको देखना पसंद करती है, मैं सिस्टर की वीडियो डाल सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो है आप लोग हमको पसंद करते हो, हमारी वीडियो देखते हो, हमारे चेहरे से आप लोग आए हो, तो फिर दूसरे के वीडियो नहीं, हाँ ये है, साथ में डाल सकते हैं। तो यही, और यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं अपने रियल गेटअप में। आप सभी कहते हो ना कि एक ही वीडियो में आप कई कपड़े में दिखाई देते हो, तो इसीलिए आज मैंने सोचा आप सभी को बता देती हूँ। यहाँ रीजन क्या है, जब मैं नहा के निकलती हूँ तो मैं गाउन डाल के निकल जाती हूँ, इसके बाद आती हूँ थोड़ा सा स्किन केयर, जैसे कि ठंडी है तो लोशन वगैरह लगाना होता है, इसके बाद अगर धूप है तो थोड़ी देर धूप में बैठ के, इसके बाद मैं सूट पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे नमन को ट्यूशन छोड़ने जाना होता है, सब्जी लेने जाना होता है, तो बाहर में ऐसे नहीं जाती। इसके बाद जब सारे काम खत्म हो जाते हैं तो शाम के टाइम में ट्रैक सूट पहन लेती हूँ, तो ये ट्रैक सूट मैं तब तक पहनती हूँ सुबह जब तक सारे काम क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर जब नहाती हूँ तब इसके बाद फिर सूट पहन लेती हूँ। तो इस वजह से मेरे वीडियो में कई कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा है तो ट्रैक सूट में ज़्यादा आराम मुझे लगता है, तो इसलिए। और बाहर में इस तरीके से जाती नहीं, कि मैं बाहर ऐसे नहीं जाती, और आप सभी को पता है मैं सर ढक के जाती हूँ, तो सर ढक के ट्रैक सूट पे सर ढक के अच्छा नहीं लगता ना, और फिर कुर्ता डालो इस पे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मेरा तीन कपड़े हो जाते हैं, और कोई बात नहीं है कि मैं वीडियो में बहुत सारे कपड़े चेंज करती हूँ। तो आज के लिए यही था गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब